दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारे चैनल ब्यूटीफुल सी के लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक पॉपुलर एक्टर जिनका नाम विन झांग है और जिनको लोग झांगबिन के नाम से भी जानते हैं, उनके कुछ पॉपुलर ड्रामास के बारे में बात करेंगे। हमारी लिस्ट पे नंबर वन पे है हियर वी मीट अगेन। इस ड्रामा में झांगबिन ने एक नेविगेशन इंजीनियर का रोल किया है जिनका नाम है जू युआनशी। जैनिस वू जो कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है, उन्होंने जियांग युआन का रोल किया है। इस ड्रामा में हमें दिखाया गया है कि जियांग युआन एक टॉप ग्रुप जिसका नाम डोंगी ग्रुप है, उस ग्रुप की एकलौती वारिस थी। अपनी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए जियांग युआन अपनी कंपनी में ही एक एम्प्लॉय की तरह काम करने लगती है। तब उनकी मुलाकात जू युआनशी से होती है। यंग वन जू युआनशी को बचपन में अपने स्कूल टाइम से ही पसंद करती थी। अब इतने सालों के बाद मिलने पर उनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाते, ये सब हमें इस ड्रामा में देखने को मिलता है। अगर आपको रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो यह ड्रामा आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हमारी लिस्ट पे नंबर टू पे है बी टुगेदर। यह ड्रामा चार दोस्तों की लाइफ पे बेस है जिसमें हमारे मेन लीड एक्ट्रेस का नाम जिया यान है जो कि एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। इस ड्रामा में झांगबिन ने एक बड़ी आईटी कंपनी के चीफ ऑफिसर का रोल किया है जिनका नाम चेन ई है। अपने ब्रेकअप के बाद जिया यान चेन ई से मिलती है और फिर वो उनकी कंपनी में काम करने लगती है। इस तरह ड्रामा आगे बढ़ता है और उन दोनों में कैसे प्यार होता है, ये सब हमें इस ड्रामा में दिखाया गया है। हमारी लिस्ट पे नंबर थ्री पे है रत्न। यह एक एंशियंट प्लस मॉडर्न ड्रामा है। इस ड्रामा में हमारी मेन लीड एक्ट्रेस सीतिंग एक हाफ डेमोन होती है जो कि एक मॉन्क के हाथों मारी जाती है। फिर हजारों सालों बाद जहां उनकी बॉडी को दफनाया गया होता है वहां एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में झांगबिंग जिन्होंने क्वीन फांग का रोल किया है, उनको बहुत गहरी चोट आती है और उनका बहुत सारा खून बहने लगता है। क्वीन फांग का खून उस जगह पे गिर जाता है जहाँ पे सी तेंग की बॉडी को दफनाया होता है। ऐसे ही सी तेंग की बॉडी को क्वीन फांग का खून मिलता है, वो जिंदा हो जाती है। क्वीन फांग कैसे सी तेंग को अपनी यादें दिलाने में मदद करते हैं और कैसे उनका बदला पूरा करने में मदद करते हैं, ये सब हमें इस ड्रामा में देखने को मिलता है। अगर आप मिस्ट्री, रोमांस, फैंटेसी ये सब चीज़ें देखना पसंद करते तो यह ड्रामा आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हमारी लिस्ट पे नंबर फोर पे है द किंग्स वुमन। यह एक एंशियंट ड्रामा है जिसमें झांगबिन ने इन झेंग का रोल किया है। झेंग क्वीन स्टेट के किंग होते हैं और इस ड्रामा में हमारे मेन लीड एक्ट्रेस का नाम गॉड सन ली है जिनका रोल दिलरबा दिलरुमावत ने किया है। झेंग और गॉड सन ली की कुछ मजबूरियों के कारण शादी हो जाती है। आगे की लाइफ में क्या चेंजेस होते अगर ये आपको जानना है तो ये ड्रामा आपको देखना चाहिए। हमारी लिस्ट पे नंबर फाइव पे है स्ट्रॉम आई। इस ड्रामा में हमें क्राइम, नेशनल सिक्योरिटी, स्पाई ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। झांगबिन ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंट माशांग का रोल किया है। मिशन के दौरान वो अपने हाईस्कूल क्लासमेट अंग जिन से मिलते हैं और इस तरह यह ड्रामा आगे बढ़ता है। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस, स्पाई ये सब देखना पसंद है तो ये ड्रामा आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए।